वर्कआउट होता है जिससे आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, पावर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत, अगर आपके पास भी हो ये सारी चीजें तो आप कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस। देखो सभी जो भी देख रहे हैं वर्कआउट, हम ये वर्कआउट कब करेंगे आपको पहले सिखा दूं मैं, क्योंकि सीखना जरूरी है। कोई भी वर्कआउट बिना सीखे नहीं हो सकता है, या तो आप गलत तरीके से करेंगे, और गलत तरीके का क्या आता है, जीरो। अगर तरीके सही होंगे तो आप सही तरीके से इंप्रूव करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। हमने आज लिया एक थेरा बेल्ट, स्ट्रेंथ बेल्ट है ना, इसकी मदद से हम वर्कआउट करने वाले हैं। ये इतना पावरफुल बैंड है कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो इसके बेनिफिट आपको पता चलेंगे। आप एक तो लगाते हैं फ्री हैंड हाई नी बाउंस, ठीक है। अब इसके साथ लगवा के बताता हूं, जितना दम हो उतना लगा तू, आगे बढ़, खींच साइड से, खींच आगे, बढ़ा बढ़ आगे, बढ़ जितना बढ़ सकता है, टूटेगा नहीं, स्पीड बढ़ा स्पीड। वहीं पे चेयर होल्ड, देखो जब आप इससे लगा रहे हो ना ये बेल्ट से, तो इससे पूरी पावर खिंच रही है, नहीं खिंच रही है, दम लग रहा है, फ्री हैंड ज्यादा दम लग रहा है, इससे ज्यादा दम लग रहा है, इससे ज्यादा दम लग रहा है। अब देखो इसके क्या फायदे है, इसके फायदे ये है कि आप जब रनिंग करेंगे ना तो आपकी रनिंग के अंदर आपकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, आपके पर्टिकुलर आप जब रनिंग करें स्टेप अच्छे से चलेंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रेच कर रहा है आपका, ये जो ताकत दे रहा है ना, इससे काफी खिंच रहा है। ये उमेश जो हमारा घोड़ा है, ताकतवर घोड़ा है या नहीं है? है या नहीं है? यादव को टक्कर देने वाला है ना ये, बहुत जल्दी टक्कर देगा ये यादव को, एक बार जोरदार तालियां। अब मैंने इसको इसके साथ में होल्ड करके रखा है, इसको स्टेबल रखा है, इसका पोस्चर देखो कहाँ जा रहा है। अगर मैं राइट पोस्चर की बात करूँ तो क्या राइट पोस्चर इसका चेयर होल्ड का ये है? नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, इसको प्रेशर लग रहा है, इधर से जान लग रही है इससे बहुत ज्यादा, जिससे ये स्टेबल हुआ है, ठीक है। ओके गो। देखो वैसे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मसल्स की पावर बढ़ाने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सही दिशा में लगाया हुआ एफर्ट आपको बहुत जल्दी आगे पहुंचा सकता है, ठीक है। वरना गधे भी मेहनत करते हैं लेकिन घोड़ों से नहीं जीत पाते। यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? घोड़ों से जीत, घोड़ा बनना ही बनना है। यस सर। गधों की तरह मेहनत करना है। यस सर। देखो गधे है ना, गधे क्या करते हैं, रोज सुबह शाम 20-20 राउंड लगाया करते हैं। यस सर। वो घोड़े नहीं बन सकते हैं। घोड़े बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से ट्रेनिंग करना पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग करने का तरीका एक अलग होगा। चल हाई बाउंस स्टार्ट। देखो अगेन हमने अब सेकंड स्टेप वर्कआउट है इसमें इस बेल्ट के साथ। इस बेल्ट का बहुत कमाल है, ये जादू के अंदर, मतलब जादू से निकाला हमने। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, बैक बैक और फ्रंट चलता रहे, फास्ट होना, स्पीड थोड़ा स्पीड,